ये यू कैन कंसीडर दिस इज वन ऑफ ए वेरी टिपिकल एंड कंफ्यूजिंग चैप्टर फुल ऑफ मेनी मिसकंसेप्शन, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था व्हेन द मैन इज वर्किंग फ्रिक्शनल फोर्सेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। आप जेई मेन लेवल तक, नीट लेवल तक तो आसान है, व्हेन यू गो फॉर जेई एडवांस लेवल ये रियली ए वेरी टफ चैप्टर है और इसमें बहुत सारे खूंखार क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं चैप्टर फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, और ये फेनोमेना कब ये डेवलप होता है? व्हेन दिस फोर्स डेवलप्स, जब भी दो बॉडी में कुछ स्लाइडिंग होगा और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होगा तो देयर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप। पहले स्टेटमेंट को ढंग से लिखते हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है, लेकिन अगर समझे होगे तभी आप इमेजिन कर पाओगे। व्हेनेवर देयर इज a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces, the opposition force developed between the two surfaces is called friction। पहले स्टेटमेंट को ही हजम करो, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता कब है? जब कोई चल रहा है तब फ्रिक्शनल फोर्स होता है? नहीं, ऐसा नहीं। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेसेस। अगर मैं अपनी दोनों हाथ को ऐसे ऐसे मूव करवा रहा हूं तो ये हाथ का जैसा वेलोसिटी है, ये हाथ का वही वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ वन हैंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज जीरो, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग, तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अगर मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड इज मूविंग और देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन हैंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इवन व्हेन दिस हैंड इज नॉट मूविंग यू विल से दिस हैंड इज मूविंग, द रिलेटिव टू दिस हैंड ये ऊपर की जा रहा है और रिलेटिव टू दिस हैंड ये नीचे जा रहा है, जबकि मूव नहीं कर रहा है, पर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन देम, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? ये ऑपोजिट टू दी ऑपोजिशन फोर्स डेवलप्ड, मतलब एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अगर ये हाथ को ऊपर की तरफ ले रहा हूं तो ये हाथ इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, किस डिरेक्शन में? रिलेटिव टू दिस एंड ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ आएगा। ये हाथ रेस्ट में है, ये ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव टू दिस एंड ये नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कौन देगा? ये हाथ देगा। इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कौन देगा? ये हाथ देगा। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, समझ में आ रहा है? ये जिस डायरेक्शन को रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में वो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। नॉट ओनली दैट, इवन व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, जैसे ये पेन मेरे हाथ पे रखा है तो आप कहोगे इस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स अभी नहीं है क्योंकि ये रेस्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं हाथ को ऐसे कर दिया तो ये पेन स्लाइड कर सकता था लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है, इसके पास एक स्लाइड करने की टेंडेंसी है, थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो फिसल जाएगा, मतलब दिस पेन हैज गॉट ए स्लाइडिंग टेंडेंसी बट नॉट स्लाइडिंग, तो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसलिए बड़ी केयरफुली में लिखा हूं, क्या व्हेरेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सर्फेसेस, अब लोग स्लाइडिंग नहीं हो रहा है कहां से आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइड करने का टेंडेंसी भी होगा तो भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। जैसे एक पेन मेरे हाथ पे, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ रहा है, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा फोर्स लगाया और मैं देख रहा हूं कि ये नहीं चल रहा है,
कौन रोक रहा है मेरा फोर्स को? फ्रिक्शन। मतलब क्योंकि पेन का इधर को फिसलने का टेंडेंसी है, मेरे हाथ इसके ऊपर इधर को एक फोर्स दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये फोर्स होता कैसा है? होता ऐसा है कि जब हम एक सरफेस और दूसरे सरफेस को देखेंगे, इसको लेके भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन होते हैं। अब वो कुछ बुक्स में लिखा है कि ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, और होता क्या है इसकी सरफेस ऐसा ऐसा मान लो कोरोगेटेड है, इसका सरफेस भी ऐसे कोरोगेटेड है। जब इसको इसके ऊपर लगा के खींचने की कोशिश करते हैं, रिलेटिवली स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कहेंगे कि ये बॉडी को ला के इसके ऊपर रख दिए, रखने के बाद इसको इधर खींचने लगे और इसको इधर खींचने लगे, तो ये एक दूसरे के अंदर फंसने के कारण एक दूसरे को रोकने की कोशिश किए। नो, दैट इज नॉट फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉकिंग। एनी अपोजिशन फोर्स यू कैन नॉट कॉल फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन, ये जो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फंसेंगे ना एक दूसरे में, तो उसको लोग फ्रिक्शन सोच लेते हैं। वो फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आ? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सरफेस विद दैट ऑफ अदर। अगर हम कहेंगे ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, यहाँ का मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पर एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, अब इसका वाला इलेक्ट्रॉन को इधर वाला मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस खींचने लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, और इसका वाला न्यूक्लियस इसका वाला इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, तो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? अब जब हम इसको दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे इस फोर्स के कारण, दे विल फील द अपोजिशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मान लो कि एक आदमी अपना बेटा को लेकर ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा आदमी अपना बेटा को लेके वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये बेटा वो बेटा का हाथ पकड़ लिया, अब क्या होगा? इसके ऊपर भी एक अपोजिशन आएगा, उसके ऊपर भी एक अपोजिशन आएगा, इक्वल एंड अपोजिट अपोजिशन आएगा। एग्जैक्टली दैट वे द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन हियर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सो रिमेंबर, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए मैकेनिकल लॉकिंग, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स को इसलिए कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कभी कभार इसको पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर देने से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स कम नहीं होता है, क्या होता है, मैकेनिकल लॉकिंग कम हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा पॉलिश कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फिर से मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स फिर से ज्यादा हो जाएगा। एक ग्लास प्लेट के ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट को खींच के देखो, बड़ा मुश्किल है मूव करवाना, बोथ ऑफ देम आर पॉलिश्ड, लेकिन मूव करवाने में बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स आता है। समझ में आ रहा है? इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मोरओवर, अगर एक ब्लॉक को दूसरे के ऊपर दबा के रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स विल बी कमिंग क्लोज, क्लोज आएंगे, तो उनका बीच में जो फोर्स था और भी स्ट्रांग हो जाएगा, सो फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स मोर। समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोई आपको नहीं पूछेगा, पर जान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट जस्ट दिस मैकेनिकल लॉकिंग, इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आ रहा है, अगर ये ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आ रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, दैट विल बी इन अपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो ऐसे। कोई दूसरा इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन पे हुआ यूं है कि कोई ब्लॉक रेस्ट में है, नाउ द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक को रखोगे फिसल जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है। सपोज ये ब्लॉक रेस्ट में है, उसके बावजूद इसके ऊपर एक फोर्स है mg sin थीटा, यू नो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज mg sin थीटा, ये इसको फिसलाने की कोशिश कर रहा है, ये फिसल नहीं रहा है रेस्ट में, उसके बावजूद उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है। सो व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन द टू सरफेसेस, देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेसेस। समझ में आया क्या? ये बात। तो पहला चीज हुआ ये कि जो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ दो हाथ पे या दो सरफेस पे, वो इक्वल एंड अपोजिट हुआ, क्योंकि ये इसके ऊपर जितना फोर्स दे रहा है, ये उसके ऊपर उतनी फोर्स दे रहा है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो फिर वो जैसे मैं दोनों हाथ को ऐसे रगड़ रहा हूँ, मेरा दोनों हाथ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट है, तो दे शुड कैंसल आउट ईच अदर,
इसके ऊपर ऐसा है तो इसके ऊपर ऐसा है, विल दे कैंसिल आउट, व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ये रटे हुए चीज तो याद रखते हो, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन आ रहा है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन आ रहा है, कैंसिल करेगा क्या? ये तो दो हाथ पे अलग अलग हाथ पे आ रहा है, एक ही हाथ पे दो फोर्स आते तो कैंसिल होते। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द टू सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिहेव एज एक्शन रिएक्शन पेयर, समझ में आया? तो पॉइंट नंबर टू में लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द टू सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट, दे फॉर्म ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बनाते हैं। तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सर्फेसेस इज नाउ अंडरस्टूड एज ए पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो ये भी हम समझ गए कि क्यों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर नॉट कैंसिलिंग आउट। जब मैं हाथ रगड़ रहा हूं, ये हाथ पे जितना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, ये हाथ पे उतनी फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं जब हाथ रगड़ रहा हूं तो दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू दी रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। चलिए आपको बेहतर समझाने के लिए आई टेक ए स्मॉल एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, आप खुद ही बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये है कोई एक वाल, ठीक है, ये है वाल, और मान लेते हैं कि यहां से ये है कोई फ्लोर, चलो मानते हैं, और मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। लेट मी ड्रॉ, इट विल टेक ए लिटिल टाइम बट देन वी विल अंडरस्टैंड द रिलेटिव इंट। ये एक ब्लॉक है, चलो मानते हैं कि ये ब्लॉक ऐसा है शेप का, यस, और हुआ यूं है कि यहां पर कोई एक दूसरा वेज है जो ऐसा है। थोड़ा फील कर लोगे ना तो चीजें आसान बन जाएगा, बिना फील किए रट्टा मार के करोगे तो फिर आगे चल के सर्टिफिकेट तो होगा लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होगा। चलिए ये चीज है, अब ये क्या है कि ये जो चार ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये सारे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, लेकिन आपको समझाने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्सेस को दिखाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप बना के रखा हूं। सपोज ये जो हमारा नीचे वाला वेज है, इस वेज के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूं ऐसे, अगर इस जबरदस्त ये फोर्स लगा के इसको अंदर ढकेलने की कोशिश करूंगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर किधर जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है। इसको अगर पुश करेंगे अंदर, क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा? ये सारे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है तो ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर जाता है। चलिए आप समझते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है किस डायरेक्शन में, दिस पॉइंट रिलेटिव टू द फ्लोर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करेगा, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस। जितना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर दिया कौन? द फ्लोर ऑन दिस वेज, तो वेज भी फ्लोर के ऊपर उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स देगा, सेम फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. सोचते हैं कि ये पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को आएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट दिस सरफेस, ये सरफेस रिलेटिव टू दिस सरफेस अंदर जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? इट बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ? अच्छा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है
इसके ऊपर ये ब्लॉक ने दिया है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। अगर इतना बढ़िया समझ में आ रहा है तो बताओ ऑन द वॉल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? आपको कितना समझ में आ रहा है पता चल जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वॉल? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड और डाउनवर्ड। आवाज नहीं आ रहा है सबका? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कोई बोल रहा है? आप लोग क्या बोलो? डाउनवर्ड। चलिए सोचते हैं लोग बोल रहे डाउनवर्ड। अब सोचो तो ये वाला सरफेस जैसे इसको हम पुश करेंगे ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? ये ऊपर जा रहा है रिलेटिव टू दिस, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू अपोज इट। ये डाउनवर्ड हुआ तो वॉल पे कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपवर्ड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। फिर से वही हुआ कि कुछ बच्चे दूसरों की नॉलेज का फायदा उठाना चाहते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। सर पूछे दूसरे क्या बता रहे हैं, सुन लेते हैं, जो सही होगा जान लेंगे, हम क्यों कुछ बोलेंगे? आप बोलोगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो याद रखने की एबिलिटी आपका बढ़ेगा। ठीक है, कभी बोल के देखो क्लास में, हर क्वेश्चन का आंसर गलत बोलो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोल के इन्वॉल्व हो जाओ उस क्लास में, सबसे ज्यादा चीज आपको याद रहेगा, बाकी लोग को याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट आर ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स है तो उसके बारे में तीन चीज जानने की जरूरत होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताने की क्या जरूरत है? इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। डायरेक्शन जानना है और मैग्नीट्यूड जानना है, तो पहले डायरेक्शन जानने की तरीका देखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्शन जानना ही सबसे ज्यादा मुश्किल चीज हो जाता है। ये तो कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है तो डायरेक्शन जानना और भी मुश्किल हो जाता है। कोई सिलेंडर रोल करके जा रहा है, फॉर योर सरप्राइज मैं आपको बता दूं, अगर ये कोई एक स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है, और इस सॉलिड स्पीयर इस फ्लोर पे रोल करते हुए जा रहा है, मतलब ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है, कोई इसको पुश पुल नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है। और अगर इस सिलेंडर को मैं यहाँ पे पुश करते हुए रोल करवा रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है। अगर इस स्पीयर को मैं कुछ यहाँ पे पुश करते हुए चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है। और ये हाइट क्या है? ये 7r/5 होता है, होता है। ठीक है, मतलब ये कितने हाइट से ऊपर पीछे की तरफ होगा, कितने हाइट के बाद नीचे आगे की तरफ होगा, वो सब डिपेंड करता है। रेडियस क्या है? 5r/7 होता है उसका बाउंड्री लेंथ। वो रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक बहुत ही तगड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। आपको अक्सर लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, इट इज अपोजिट टू मोशन। नो, इट इज नॉट नेसेसरली अपोजिट टू मोशन। It may be in the direction of motion. Not only that, it can be perpendicular to the motion also. आप जा रहे हो इधर, frictional force आपको perpendicular है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? We see several cases when a body is moving, the frictional force is having a direction perpendicular to its velocity. ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना कि frictional force opposite to motion होता है, वो सबसे बड़ा गलतफहमी है। इससे पहले निकलो। ठीक है, अब हमारे पास दो चैलेंज आके पहुंचा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दो चीज जानना है। चलिए कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिफाइन ए टर्म, आई कॉल इट अप्लाइड फोर्स। मैं ऐसा एक टर्म अपनी मन से दे रहा हूं, आपकी बुक में ऐसा कोई टर्म नहीं है। अप्लाइड फोर्स मैं एक इंटरमीडिएट टर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ आप फटाफट बता पाओगे। ठीक है, क्या है अप्लाइड फोर्स? इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी
इन ए डिरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको पैरेलल होके क्या एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स, नाम दे देंगे इसको कहेंगे अप्लाइड फोर्स। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, ध्यान रहे, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो मैं पहला कोशिश ये कर रहा हूं बताने के लिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैं बताया, इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मे बी परपेंडिकुलर टू द मोशन, डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया गया है अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, विद द नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना है, आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए देर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स, तीन अलग अलग मेथड है, तीनों में बताऊंगा। पहले इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स देख लेते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके देखता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा गया है और इस ब्लॉक के ऊपर सपोज हमने एक फोर्स लगाया से इज एफ जीरो, और सपोज ये जो एंगल है दिस फोर्स इज मेकिंग सम एंगल, इतना एंगल कर रहा है, सपोज दिस फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा, दिस फोर्स मेक्स सम एंगल थीटा हियर। अगर ये फोर्स यहाँ पे थीटा एंगल कर रहा है तो व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर द वेट ऑफ द ब्लॉक, देयर इज अ रिएक्शन फोर्स एंड दिस फोर्स, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, वेट का कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि वेट इज वर्टिकल, वेट का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, किसी भी वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जीरो, तो वेट का कोई कंपोनेंट नहीं है, रिएक्शन का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, एफ नॉट का एक कंपोनेंट है। क्या कहोगे आप, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितना है, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सरफेस को पैरेलल होके इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ एफ जीरो, कितना है वो, एफ जीरो कॉस थीटा, नहीं, सो द कंपोनेंट इज एफ जीरो कॉस थीटा। ध्यान रहे यही मेरे को मदद करेगा बाद में पता करने में मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करें, हम देखें कि एफ जीरो कॉस थीटा कैसा है, कुछ इस डायरेक्शन में है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि बॉडी अगर स्लाइड करेगा तो इधर को करेगा बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सो द फ्रिक्शनल फोर्स हैज टू बी अपोजिट टू दैट। समझ में आया, सपोज आई चेंज द केस, आई गो फॉर अनदर केस, हियर इज ए वॉल, और यहाँ पे चलो मानते हैं कि कोई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेस करके पकड़ के रखा है, आई हैव अप्लाइड ए फोर्स ऑन इट। ठीक है, ब्लॉक का मास है m, हमें पूछा गया बताओ अप्लाइड फोर्स क्या है, कोई पहलवान जो सोच के बताएगा व्हिच फोर्स इज टू बी कंसीडर्ड एज अप्लाइड फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस बॉडी के ऊपर और क्या क्या फोर्स आ रहा है, एक रिएक्शन फोर्स तो आ रहा होगा, एक वेट भी तो आ रहा होगा, क्या बता सकते हो व्हाट इज अप्लाइड फोर्स इन दिस केस, यस द फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन है, एमजी है, तो आप कहोगे इट इज एमजी, ऑब्वियसली डाउनवर्ड है, तो जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। समझ में आया क्या, अप्लाइड फोर्स कैसा है वो डिसाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा केस में जाते हैं, सपोजिंग हम कहेंगे कि ए मैन इज वॉकिंग,
ये आदमी चल रहा है और ये पांव आगे रखने वाला है और आगे की तरफ जा रहा है। सोचो इस पांव के बारे में, लुक एट दिस फीट। आदमी की इस पांव के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप देखोगे इस पांव पे क्या फोर्स आ रहा है। थ्रू दिस लिंब, थ्रू दिस लेग, वो एक ऐसा फोर्स लगा रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ये जो फोर्स है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज व्हाट विल बी द अप्लाइड फोर्स। तो इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है पांव के ऊपर, वो किधर को है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? ये फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल टू दिस सरफेस, तो ऐसे ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? व्हिच इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स पीछे की तरफ है, तो उसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो जब कोई आदमी चल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू, और फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा क्या? कोई भी केस में आपको अप्लाइड फोर्स समझ में आ जाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स इफ देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। जब वो आदमी चल रहा है, क्या उसका पांव स्लाइड कर रहा है? देखो कंडीशन भी याद रखो, मैं क्या बोला था, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, मतलब देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। मान लो ये आदमी का चप्पल टूट गया, वो पांव को खींचते हुए आगे ले रहा है, तो पांव फिसल रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा पीछे की तरफ। लेकिन जब वो चल रहा है, पांव फिसल नहीं रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ। चप्पल टूट गया पांव का, चप्पल में आपका गोबर लग गया, क्या करोगे? ऐसे ऐसे रगड़ते हुए जाते हो कि नहीं जाते हो? जब रगड़ते हुए जा रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? पीछे की तरफ। जब नॉर्मली चल रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? आगे की तरफ। समझ में आया? इनको नहीं समझ में आया, जाके गोबर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर वे व्हाट इज फिजिक्स, है कि नहीं? हाँ, तो अभी हमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया। हाँ, तो क्या बोला था, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। थोड़ा सा बता देते हैं, आप यूज करो ना करो, ये मेथड को मैं मेजरिटी पार्ट में यूज करूंगा। अदर मेथड क्या है कि टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू सर्फेसेस। पहला तो हुआ यू चेक द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू दैट। दूसरा हुआ कि सी, अगर वो सर्फेस स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता? तो फिसल जाता। किधर को फिसल जाता? जिधर को भी फिसल जाता, आप क्यों नहीं फिसल रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। क्यों नहीं फिसल रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा है, फिसलने नहीं दे रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू दी फिसलिंग टेंडेंसी। जिधर को फिसल करने की कोशिश कर रहा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ये ब्लॉक सरकता नीचे, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर आगे की तरफ। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, हम ऐसे पुश करते, ये सरकता इधर को, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे। अगर ये आदमी के पांव के नीचे हम केले के छिलका रख देंगे, ये पांव किधर को फिसलेगा? सोचो, केले के छिलके पे पांव रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो पांव किधर को फिसलेगा? पीछे की आगे? सोचो, पांव के छिलके, केले के छिलके ऊपर पांव रखा और आगे जाने की कोशिश करो, पांव किधर जाएगा? आगे की तरफ फिसलेगा कि पीछे? पीछे। तो अभी नहीं फिसल रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक दिस। दिस इज सेकंड वे ऑफ थिंकिंग। थर्ड मेथड इज द मेथड ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, वो बॉडी रेस्ट में रहेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स आया, तो बॉडी मूव करेगा किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं यहाँ पे खड़ा था, ऑल एट ए सडन आई स्टार्टेड वॉकिंग, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन मी? माय वेट, माय नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मी फिट। वेट और नॉर्मल रिएक्शन के चलते मैं चल नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि किसी फोर्स के चलते चलता तो उसी के डायरेक्शन में चलता, ना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे आ रहा हूँ, मैं तो सीधे जा रहा हूँ। तो कौन सा फोर्स मुझे चलाने में मदद कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। मैं रेस्ट में था, मेरे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आया, मैं आगे की तरफ गया, तो मेरे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर फोर्स आया हो ईस्ट की तरफ गया, तो फोर्स भी ईस्ट की तरफ ही होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? बड़ा खूंखार होता है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना। ये तो ट्रांसलेटरी मोशन है, जब ये आ जाता है आपका रोटेटरी मोशन जुड़ जाता है, या फिर ट्रांसलोटेशनल जुड़ जाता है, तो और भी मुश्किल हो जाता है। खैर, अभी हम लोग छोटे छोटे चीजें थोड़ी थोड़ी से सीख गए, आगे चल के इसका डिटेल्स में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों होता है? एक सरफेस की मॉलिक्यूल्स दूसरे सरफेस की मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, नहीं? ये
ये हुआ एक सरफेस, ये हुआ दूसरा सरफेस, यहाँ का एटम, उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एटम, इसका इलेक्ट्रॉन, सब घूम फिर रहे थे। ये अपनी इलेक्ट्रॉन को लेके खुश था, ये अपनी इलेक्ट्रॉन को लेके खुश था, लेकिन जैसे दोनों आसपास आए, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए। समझ में आया क्या? अब ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाने लगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाने लगा। नहीं, अगर हम फोर्स लगाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हम लेने की कोशिश करें, स्लाइड करवाने की कोशिश करेंगे, वो दोनों अट्रैक्शन के कारण रोकने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो कि ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे खींच रहा है सपोज, लेकिन ये वाला न्यूक्लियस ये वाला इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच रहा है, तो जैसे हम रगड़ के ले जाएंगे, ये उसका इलेक्ट्रॉन को छीन के ले आएगा। अब कहते हैं ना भाई, रॉबिंग थिंग्स गेट चार्ज्ड, कैसे होता है? रगड़ के ले लिए तो उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बन गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पार्ट। अब दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर फोर्स घटाना है तो हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के बीच में कुछ रख दो, कुछ भी रख दो। अब कुछ भी रख दोगे तो दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा ही नहीं, गैप बढ़ जाएगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फोर्स विल बी लेस, वो फोर्स कम हो जाता है। भाई ओवर पॉलिशिंग, अगर दोनों सरफेस को बहुत ज्यादा पॉलिश कर दोगे कि दोनों एकदम पास पास आ जाएंगे, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस। या फिर इसको अगर ऊपर से दबा दोगे तो ये दब के इसके पास आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी इवन स्ट्रॉन्गर, तब फ्रिक्शनल फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द ऑफ द टू सरफेसेस। समझ में आया क्या? तो आपको अभी इतना समझ में आ चुका है कि अगर इसको दबा के रखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। मान लो मैं दो ठो बुक को आपस में प्रेस करके रखा हूं, आपको स्लाइड करवाने के लिए कहा गया, इट बी डिफिकल्ट जॉब फॉर यू, है कि नहीं? मैं टेबल पे कोई बुक रखा है, उसको दबा के रखा हूं, बोला कि अभी बुक को खींच के निकालो, तो मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो गया। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि कितने जोर से वो चिपक के है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, इसका मॉलिक्यूल उसका इलेक्ट्रॉन में कितना इंटरेस्ट रखता है, है कि नहीं? इसका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड हो, ऐसे ही खुश है तो दूसरों को क्यों खींचेगा, भूखे प्यासे लोग सबको खींचते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे में कितना इंटरेस्ट रखते हैं वो उनका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? मटेरियल का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना चिपक के दोनों चीजें कितने पास पास है, दूसरा हुआ उनका नेचर क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बाद में देखेंगे जो नेचर दैट अफेक्ट्स व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, एंड कितना जोर से चिपक के रखा है, मतलब व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए तो देखते हैं, दूसरा नाम दिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? क्या कहता है, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एक सिंबल देता हूं FL, ठीक है? बुक में क्या सिंबल दिया है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं नया नया टर्म्स कॉइन करने की कोशिश कर रहा हूं, उस टर्म को यूज करके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट, थोड़ा सा दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस, एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान रहे, कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना है से मतलब नहीं है, अभी कितना फ्रिक्शनल फोर्स है उससे कोई मतलब नहीं, कितना मैक्सिमम हो सकता है उसको कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आपको कहा जाएगा कि ये कोई एक ब्लॉक रखा गया है, ये कोई एक ब्लॉक रखा गया है, इस फ्लोर पे रखा गया है, और बताओ इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, व्हाट यू विल डू, देखोगे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। सपोज मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 1 न्यूटन का,
क्या ये मूव किया? नहीं मूव किया। क्यों नहीं मूव किया? मैं तो 1 न्यूटन दिया हूं, मूव कर जाना चाहिए। क्यों नहीं मूव कर रहा है? कौन रोक रहा है उसको? कौन रोक रहा है जाने से? फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका टेंडेंसी किधर जाने का है? इधर को जाने का है। अगर टेंडेंसी है इधर जाने का, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा, है कि नहीं? और अब ये फ्रिक्शनल फोर्स है कितना कि मूव नहीं कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है ना, सिग्मा इफेक्ट जीरो है। मतलब ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 1 न्यूटन ही तो है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। आई मेक इट 10 न्यूटन फिर भी मूव नहीं कर रहा है। मतलब अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? मैं बढ़ाते गया, ये बढ़ते गया, है कि नहीं? आई मेक इट 15, ये बन गया 15। जब मैं किया 15.1 न्यूटन, मैं देखा ये धीरे धीरे चलना शुरू किया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और हमें रोक नहीं सकता। कितना मैक्सिमम हो सकता है? 15। तो कोई बॉडी के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जानने के लिए क्या करो? धीरे 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 फोर्स को बढ़ाते जाओ। जितना फोर्स में वो जस्ट चलना शुरू करेगा, वही है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इफ यू फिजिकली फील द रन, यू कैन डू इट इन द न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूले से कुछ नहीं बनता है, समझ में आया क्या? जब वो चलना शुरू करेगा, वही है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मैथमेटिकली हम कैसे पता करते हैं कि क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? अब सोचो, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 15 न्यूटन फोर्स दिया और पता चला ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 15 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स 15.1 कर दिया, तो ये धीरे धीरे चलने लगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और नहीं बढ़ रहा है, वो तो हो गया मैक्सिमम। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इसका मॉलिक्यूल उसका मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, कितना मैक्सिमम दे सकता है? सोचो कि थ्रेड से बंधा हुआ है, वो थ्रेड कितना टेंशन ले सकता है? जब टूट गया तो फिर टूट गया उसके बाद, है कि नहीं? अभी मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर कोई छोटे बच्चे को लाके बैठा दिया, क्या अब भी 15.1 में ये चलने लगेगा? नहीं, दब गया। मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज, दे विल इंटरैक्ट ईच अदर विद ग्रेटर फोर्स। नाउ अगेन दे आर नॉट अलाउइंग। अब 15.1 में ये नहीं मूव करेगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। जब इसको आप करोगे 100 न्यूटन, हो सकता है तब चलना शुरू कर रहा है। दो बच्चों को बैठा दो, जो जब 300 न्यूटन होगा तभी चलना शुरू करेगा, है कि नहीं? दैट मींस यहां पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कौन सा चीज किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल्स। दूसरा हुआ कितना जोर से दबा के यहां पे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना जोर से दबा के रखा है? जितना जोर से दबा के रखेंगे उतना ही तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। मतलब कितना है नॉर्मल रिएक्शन और इन दोनों का नेचर क्या है? क्या मेरी बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? जो चीज आपको समझ में आया वही लिखने वाला हूं। मैं लिखूंगा इट इज गिवन बाय FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन, वेयर एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस, बिटवीन द टू सर्फेसेस। और म्यू क्या है? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो कितना जोर से चिपक के है। म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर किसका? एक का कि दोनों का? दोनों का नेचर, दोनों का मॉलिक्यूल को एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशन है? कभी कभार यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है, कंक्रीट सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा कि ग्लास सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा? जहां पर स्मूथ होता है वहां पर म्यू कम होता है, लेस फ्रिक्शन, नहीं? और जहां पर रफ है तो वहां पर कहते फ्रिक्शन ज्यादा है, नहीं? तो ग्लास सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा कि रफ सरफेस पे कोई कंक्रीट सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा? ग्लास सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा, ग्लास सरफेस इज स्मूथ ना, अपेरेंटली स्मूथ। कंक्रीट सरफेस रफ होता है, म्यू इज लेस फॉर स्मूथ सरफेसेस, क्योंकि स्मूथ सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन होता है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एन ना, स्मूथ सरफेस पे म्यू एन विल बी लेस। अरे यार मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा अगर हम ग्लास के ऊपर कोई ब्लॉक को रगड़ रहे हैं, कंक्रीट के ऊपर रगड़ रहे हैं, कौन सा केस में आपको ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? कंक्रीट पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ना। मतलब दोनों ही केस में एन बराबर होने से भी म्यू विल बी इन द मोर इन द केस ऑफ रफ सर्फेसेस, है कि नहीं? रफ सर्फेस के केस में म्यू ज्यादा है, पॉलिश सर्फेस के केस में म्यू, और स्मूथ सर्फेस के केस में म्यू कम है।
इट इज लेस, पकड़ में नहीं आना नतीजे, इतने धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। ठीक है, म्यू क्या है थोड़ा लिखते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा इसको लेके जाते हैं, फिर दूसरी जगह इसको लिखते हैं। यस, तो क्या हुआ, म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज लेस फॉर रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, मोर फॉर रफ सरफेस, क्योंकि आप लोगों को पकड़ में नहीं आया तो मैं लिखा रफ सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी तो ज्यादा होता है। ये म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल्स व्हिच आर स्लाइडिंग ऑन ईच अदर, है कि नहीं। तो अब अगेन वापस आओ और बताओ, कंक्रीट के सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा कि ग्लास की सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा रफनेस मिलता है, कंक्रीट, तो हम कहेंगे कंक्रीट के सरफेस पे म्यू ज्यादा है, वो गड़बड़ है। म्यू इज नॉट डिसाइडेड बाय वन सरफेस, किसके ऊपर कौन स्लाइड कर रहा है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर आप कंक्रीट के सरफेस पे कोई ब्लॉक ऑफ आइस को रगड़ रहे हो तो आसानी से फिसल तो भी निकल जाएगा, कोई फ्रिक्शन मिलेगा क्या, नहीं। मान लो ग्लास है, कितना पॉलिश्ड है, उसके ऊपर कोई रबर ब्लॉक को खींच के देखो तो वो तो फंसा रहेगा, आएगा नहीं। तो एक सरफेस नहीं डिसाइड करता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, ये जेईई आईआईटी का क्वेश्चन है। म्यू डिपेंड्स अपॉन कि ये सिंपली पूछ देंगे ग्लास सरफेस पे ज्यादा होगा कि इसके सरफेस में ज्यादा होगा, कोई लिखेगा इसमें कोई लिखेगा उसमें, आंसर इज कैन नॉट बी सेड, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो क्या लिखेंगे, म्यू इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, समझ में आया क्या। yes, sir. तो फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो कि यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो भैया, ये फ्रिक्शनल एक ब्लॉक रखा हुआ है, चलो मानते हैं कि इसका मास है कुछ 10 kg, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सपोज 10 kg क्यों ले लेंगे, 8 kg ले लेंगे, मान लो इसका मास है 8 kg और इसको किसी एक सरफेस पे रखा गया है जिस सरफेस पे म्यू का वैल्यू दिया गया है, म्यू दिया गया है 0.6, सर यूनिट क्या है, अब यूनिट आप खुद ही सोचो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू, FL इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू क्या हो गया FL बाई एन, FL इज ए फोर्स, एन इज ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स बाई फोर्स तो गया, देयर इज नो यूनिट, इट्स ए रेशियो, म्यू हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। ये भी क्वेश्चन आता है, गिव ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, यू से इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका कोई ना यूनिट होता है ना कोई डायरेक्शन होता है, ऐसा और भी टर्म है, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आएगा आगे आगे, ठीक है। तो खैर हम कहेंगे जो म्यू हैज, म्यू के बारे में, सॉरी म्यू के बारे में भी मेंशन कर देते हैं, इट हैज नो यूनिट, क्यों नो यूनिट, समझ में आया क्या, इट्स ए रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, है ना। अच्छा ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, क्या बता सकते हो ये फिगर में, ये फिगर में व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पे दिया गया है 10 N, ठीक है, इन फिगर शोन, बस टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग इट टू द अदर पेज, मैं कोई भी एक छोटी सी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं कि आपको मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाए। देखिए ये फिगर में, इन फिगर शोन पूछा है, क्या बता सकते हो व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है 10 N, द एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, जब इसका वेट है ना,
कितना है ये 8g है कि नहीं? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 8g और 80 न्यूटन Fl, यहाँ पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, कितना हो सकता है? म्यू इंटू एन, म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.6 इंटू 80, कितना हुआ 48 न्यूटन। कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? सर ये कैसे पता करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, हमें मालूम नहीं। हाउ टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? कितना हो सकता है 48 न्यूटन। लेकिन अभी सोचो, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 48 न्यूटन तक हो सकता है, मतलब मैं अगर फोर्स को बढ़ाते जाऊंगा, मेरा फोर्स 48 से ज्यादा होगा तो ये चलने लगेगा, है कि नहीं? अब मेरा फोर्स 48 से कम है, क्या ये ब्लॉक चल रहा है कि रेस्ट में? पक्का रेस्ट में? रेस्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है अभी, क्योंकि मेरे फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? 10 न्यूटन ही होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए तो मूव नहीं कर रहा है। मैं अगर 15 कर दूंगा वो भी बन जाएगा 15, मैं 20 कर दूंगा वो बन जाएगा 20, मैं 48 कर दूंगा वो 48 बन जाएगा, लेकिन मैं 48.1 करूंगा तो वहीं पे ठहर जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग? चीज समझ में आ रहा है ना? तो आप कहेंगे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? इट इज सेम एज 10 न्यूटन एज बॉडी डज नॉट मूव। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, कितना मैजिकल है देखो ये चीजें और कितना मिस्ट्रियस है। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, देख रहे हो? फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना कितना मुश्किल हो रहा है, कितने सारे चीजों को ध्यान में लेते हुए करना पड़ता है। तो एक चीज तो समझ में आया कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कुछ भी हो सकता है, बट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो नहीं सकता। मान लो ये 10 न्यूटन वाला फोर्स को मैं हटा दिया, नाउ अप्लाइड फोर्स क्या है? 0। इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी है क्या? नहीं है, रखा हुआ है। कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्या? नहीं। क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? 0। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 48। लिमिटिंग मतलब कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 48, लेकिन है कितना? 0। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी बॉडी के ऊपर आता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 to Fl। ये Fl से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से Fl के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो क्योंकि हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, आई मस्ट एक्सप्लेन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 to Fl। समझ में? ठीक। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोग जितना मेहनत किए उसमें क्या क्या देखे? एक तो देखे कि फ्रिक्शनल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है टेंजेंट टू दी सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी टू सरफेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे डेवलप बिटवीन द टू सरफेसेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आया? आगे की कहानी हम कोशिश करेंगे अब जानने के लिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने की कोशिश करेंगे तो खैर अभी तक मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी बता चुका हूं आपकी जाने अनजाने में। देखो अभी आप लोग ही खुद बोल दोगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कोई टिपिकल केस लेता हूँ। सपोज आई से हियर इज ए फ्लोर, रफ फ्लोर ऑन विच सपोज देर इज ए ब्लॉक केप्ट हियर। ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और ये ब्लॉक का चलो मास भी दे दिया है समथिंग लाइक 4 kg और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स दे रखा है। चलो ये फोर्स कितना है, चलो कॉल इट अप्लाइड फोर्स, क्योंकि दैट फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉल इट अप्लाइड फोर्स। तो बात कुछ ऐसा है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स हमें दिया गया है, समझ में आया? अब आपको ये भी मालूम है कि जो वेट है दैट मस्ट बी एक्टिंग लाइक दिस, और ये भी मालूम है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स है दैट मस्ट बी एक्टिंग लाइक दिस, और आपको ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स 4g आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं? अब
मैं जो अप्लाइड फोर्स लिया हूँ वो वेरिएबल है, मेरी पसंद के हिसाब से मैं इसको कम ज्यादा करने लगूंगा अभी। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, व्हाट कैन बी, व्हाट इज एन, यू से एन इज 4g, और सपोज ये जो सरफेस है यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया है, इधर दिया है, म्यू इज गिवन, दिया है कि म्यू इज 0.5, सपोज म्यू का वैल्यू दिया है 0.5, तो क्या बता सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, इट इज म्यू इंटू एन, 0.5 × 40, 20 न्यूटन। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है, हमें इंटरेस्ट है पता करने में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और देखते हैं, अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड स्टेटस ऑफ द बॉडी। जब अप्लाइड फोर्स था मान लो 0, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, हम तो देखें 20 न्यूटन हो सकता है, नहीं, तो जब अप्लाइड फोर्स 0 है, मैं कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं, क्या यहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, नहीं आ रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, 0, क्यों क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि द बॉडी इज हैविंग नो टेंडेंसी टू स्लाइड, स्लाइड करने का कोई टेंडेंसी है ही नहीं, और बॉडी का स्टेटस क्या है, बॉडी रेस्ट में, एक मोशन में, हाँ रेस्ट में। मैं इसको बना देता हूं 18 न्यूटन अप्लाइड फोर्स को, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 20 न्यूटन, नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन, कुछ लोग लिखे जा रहे हैं, नोट्स लेके घर में जाएंगे, सब्जी बना के खाएंगे, मम्मी को दे देना लेके, मम्मी मम्मी नोट्स लाए हो, सब्जी बनाओ, हाँ मैं तो समझा रहा हूँ कि नोट्स दूंगा बाद में लिखने के लिए, उतारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अगर उतारने की बजाय आप अगर बोलते मेरे साथ साथ तो ज्यादा फायदे में रहते, क्या मालूम कुछ लोगों की पेरेंट्स घर में जाने से चेक करते आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखा कॉपी देखा, शायद ऐसे बच्चे हैं ये लोग। तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स लगाया 18 न्यूटन तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो तो 20 न्यूटन है मैक्सिमम जितना हो सकता है, क्या ये मूव करेगा, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, मैं 18 न्यूटन का दे रहा हूँ, मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब ये बॉडी अभी रेस्ट में रहेगा, बॉडी रेस्ट में रहेगा, वो समझ में आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, क्योंकि मैं दे रहा हूँ 18 और मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी द अपोजिट डायरेक्शन, और वो कितना होगा 18 न्यूटन, और बॉडी रेस्ट में रहेगा, व्हेन आई मेक इट 20 न्यूटन, सोचो व्हेन आई मेक इट 20 न्यूटन, लिमिटिंग वैल्यू तो 20 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 20 न्यूटन ही होगा, और ये बॉडी रेस्ट में तो होगा लेकिन चलने की तैयारी पे है, इट इज एट द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं पूरा लिमिट में, और थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो चलना शुरू कर देगा, इसको हम कहते हैं अबाउट टू स्लाइड, अबाउट टू स्लाइड, जिस केस को आप कहते हो तीसरी केस, तीसरी दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, बाद में जाएंगे हम लोग, समझ में आया क्या, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, इट इज अबाउट टू स्लाइड। मैं इसको बनाया अब मान लो कि 22 न्यूटन, कौन बताएगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन, ये ज्यादा हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो सकता है 20 न्यूटन, और ये बॉडी रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा, स्लाइड करेगा, बॉडी विल स्लाइड। देखो अब देखो हर एक केस में आपको फ्रिक्शनल फोर्स मालूम है, तो जो आपको मालूम है उसको कंसोलिडेट करेंगे और विल मेक इट इन सिंगल लाइंस, क्या लिखेंगे उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर उसको लिखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए क्या हो रहा है यहाँ पे, और फिर उसको हम लोग नोट भी कर लेंगे, इसके बाद हम इसको नोट भी कर लेंगे, थोड़ा लाइन टेढ़ा है, टेढ़े को हम सीधा करते हैं, यस ये ठीक है। अब देखो यहां तक की बात किया जाए अप टू दिस पॉइंट, यहां पर हुआ क्या था, द फ्रिक्शनल फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन
लिमिटिंग सिग्नल फोर्स, और बॉडी कैसा है, रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आंख बंद करके बताओ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज इक्वल टू नथिंग टू डू विद लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज इक्वल टू कोई भी बॉडी रेस्ट में है, मैग्नीट्यूड जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, बॉडी रेस्ट में है मतलब इट इज अप्लाइड फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? yes. ना आपको म्यू निकालना ना एन निकालना है। वो बोलेंगे कोई ब्लॉक रखा है टेबल पे, उसके ऊपर 23 न्यूटन फोर्स दिए और पता चला वो ब्लॉक रेस्ट में है, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? हाँ, आप बोलोगे अरे म्यू नहीं दिया, कैसे करेंगे, ब्लॉक का मास नहीं दिया, कुछ जाने की जरूरत है, मूव नहीं कर रहा है। सो व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अप्लाइड फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरे केस में व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड, व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड व्हाट यू ऑब्जर्व, यू फाइंड अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स, तीनों बराबर है। कोई बॉडी स्लाइड करने वाला है, व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, अबाउट टू स्लाइड मतलब सेम इज फ्रिक्शनल फोर्स, सेम इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम अदरवाइज कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है, अगर स्लाइड कर रहा है तो देखो तो मैं 22 न्यूटन दिया, 25 करूंगा तब भी ये 20 ही होगा, ये 20 ही होगा। आर यू गेटिंग? तो अब क्या कहोगे इस केस में, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, सेम एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो बॉडी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। हां, एक मेरा वाला टूल ले लिया यहां से। चलो ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? रवि, रश्मि एंड ऑल आरआरएस, समझ में आया आरआरएस वाले को? फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज क्या है, सेम एज अप्लाइड फोर्स। बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम एज लिमिटिंग, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइड कर रहा है मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक नहीं पाया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, कोशिश करके रोक नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से हमें जो जो चीजें समझ में आया उसी को लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम रिपीट करना चाहेंगे ये स्टेटमेंट को, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको रिपीट करते हैं, जो जो चीजें समझ में आया सारे को लिखा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। पहला चीज समझ में आया, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन depending upon external force, applied force, depending upon applied force. क्या बात समझ में आया? हाँ, ये बात है, कोई ब्लॉक ऐसे रखा है, इसका ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा और किधर को होगा वो खुद ही चूज कर लेगा। आप अगर इधर को ढकेलने की कोशिश करोगे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा, आप अगर इधर को ढकेलने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा होगा, इधर को पुश करो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा, इधर को पुश करो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा, है कि नहीं? अच्छा, ऑटोमेटिकली। और मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है, आप 10 न्यूटन में दे रहे हो तो एक फ्रिक्शनल फोर्स है, 20 न्यूटन में दे रहे हो तो दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। इतना डिटेल्स में बोल रहे हैं क्योंकि वो नीट के बच्चे बैठे हैं, तुम लोगों को नहीं तो फ्रिक्शन का स्पेलिंग लिखो अच्छे हैंडराइटिंग के लिए मार के, स्कूल में कुछ नहीं पूछेंगे, है ना, बढ़िया से लिखो फ्रिक्शन, देयर इज मार्क फॉर गुड हैंडराइटिंग, लिख दो, हो गया, क्या करें, सबको गौर करना पड़ता है। तो नाउ, और जिनके लिए बोले वो लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, भगवान जाने, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड फोर्स, अच्छा दूसरा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते रहता है, और ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है क्योंकि खुद ही बदलता रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
अभी अगर आपको मालूम है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो उसकी स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज हम कहेंगे, थोड़ा आपकी समझने के लिए आसान रहेगा, स्टेटस ऑफ द बॉडी, मान लो कि कोई बॉडी है जो है रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अप्लाइड फोर्स। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, एक ब्लॉक को किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिए, वही लसक के रह गया, नीचे नहीं आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स। ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिए, फिसल के आने लगा, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स? स्लाइड कर रहा है तो FL। ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिए, आगे क्या हुआ मालूम नहीं, अब बताओ। ये भी तो हो सकता है, वी डोंट नो द स्टेटस वेदर द बॉडी इज स्लाइडिंग। ए ब्लॉक वाज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, रिलीज्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये नहीं बताया गया कि फिसला कि रुक गया, तो अब कैसे बताओगे फिर? है कि नहीं? मतलब स्टेटस में थर्ड कैटेगरी क्या हो सकता है? स्टेटस इज अननोन। स्टेटस क्या है? मालूम नहीं है। उस केस में हम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रेस्ट में है तो अप्लाइड फोर्स। मालूम नहीं है स्टेटस तो कैसे निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड? चलिए थोड़ा वापस चले अपनी स्टेटमेंट में, देखें यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे। देखो तो यहां पे ये जोन में जब वो रेस्ट में था तब थोड़ा देखो तो यहां पे क्या हुआ था, कौन बड़ा था? अप्लाइड फोर्स बड़ा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा था? जब वो रेस्ट में था अप्लाइड फोर्स छोटा था, अप्लाइड फोर्स छोटा था बोल के तो रुका था नहीं? तो आप कहोगे ऐसा कब था? जब ये अप्लाइड फोर्स वाज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, जब ये स्लाइड कर रहा था कौन बड़ा था कौन छोटा था? बड़ा कौन था? अप्लाइड फोर्स। छोटा कौन था? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, तो इस केस में क्या हुआ, सॉरी, इस केस में हुआ कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और इस केस में तो तीनों बराबर थे। अब देखो दोनों ही केस में, पहला केस में कौन छोटा था? अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? सेम एज अप्लाइड फोर्स, हुआ कि नहीं? दूसरे केस में कौन छोटा था? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स होता कौन सा है? दोनों में से जो छोटा है वही होता है। समझ में आया क्या? तो जब भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो FL, नहीं कर रहा है तो FA। अगर मालूम नहीं है तो दोनों निकालो, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, तो हम क्या कहेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अगर मालूम नहीं है तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ FA एंड FL, दोनों में से जो छोटा है वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों निकाल दो, जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बस दिमाग में रखे रहना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऑटोमेटिकली बदलता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स। और ये क्या था अप्लाइड फोर्स? इट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो जो चीजें हम लोग देखे और ये जो लिस्ट में हम लोग चीजें देखे, इसको थोड़ा समराइज करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। पहला तो देखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 to FL, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? म्यू इंटू एन। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है पता चल गया तो इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर स्टेटस मालूम नहीं है तो दोनों निकालो, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मोरओवर नेक्स्ट पॉइंट चलो देखते हैं। सपोज पॉइंट नंबर 3 में देखें, हम क्या देखें, इफ
अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स द बॉडी इज एट रेस्ट। जितना जोर से फ्रिक्शनल फोर्स हमें रोक सकता है उससे कम फोर्स अगर हम देंगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं? और उसका क्या कहोगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जितना फ्रिक्शन फोर्स हमें रोक सकता है पूरा उतना फोर्स लगा के रख दिए, तो ये जो स्टेट में बॉडी रेस्ट में है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इन दैट केस यू विल से द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कब होता है? व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इस केस में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सेम एज अप्लाइड फोर्स को हो, सेम एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को, दोनों बराबर है। अब बॉडी रेस्ट में ही स्लाइड कर रहा है एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, अबाउट टू स्लाइड, और स्लाइड्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। देखो कोई ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, हमने एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, एक अप्लाइड फोर्स लगाया, कॉल इट एफ ए। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? एफ एल, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, और हमारा एफ ए एफ एल की बराबर है। एफ ए लगा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल डेवलप हो गया। अब ये बॉडी रेस्ट में है, मेरा फोर्स अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो ये चलना शुरू करेगा, है कि नहीं? दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। सो हम कहेंगे इट इज अबाउट टू मूव, इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मूव करने वाला है लेकिन मूव नहीं कर रहा। ये हाल में कोई आगे अगर मान लो कि इसको एक किक लगा देता है, यू इम्पार्ट इट ए वेलोसिटी। जैसे आप एक धक्का दे दोगे तो आप इसको एक वेलोसिटी दे दिए। अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? दोनों बराबर है ना, नेट फोर्स जीरो है, तो कोई वेलोसिटी अगर दे दोगे, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो वही वेलोसिटी में मूव करेगा। वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड और इट स्लाइड्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी बॉडी स्लाइड कर सकता है। समझ में आया? लेकिन कैसे? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में। तीसरा चीज क्या था? व्हेन अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मेरा फोर्स जितना फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है उससे भी ज्यादा है तो क्या होगा? लेट अस, है ना, लेट अस, इफ अप्लाइड फोर्स एफ ए इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है, नाकामयाब कोशिश, मैक्सिमम फोर्स एफ एल है, मेरा फोर्स तो उससे भी ज्यादा है, ऑब्वियसली द बॉडी विल स्लाइड। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी स्लाइड कर रहा था और अब भी स्लाइड कर रहा है, अंतर क्या है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में स्लाइड कर रहा था तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड कर रहा था, लेकिन अभी मेरा फोर्स ज्यादा है तो क्या करेंगे? फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा है, देयर इज सम नेट फोर्स, द बॉडी विल एक्सीलरेट। मेरा फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी अभी रुकेगा नहीं, एक्सीलरेट करने चलेगा। तो हम क्या कहेंगे? द बॉडी स्लाइड्स विथ एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, कितना एक्सीलरेशन में जाएगा क्योंकि मैं लगा रहा हूं एफ ए, फ्रिक्शन नाकामयाब कोशिश कर रहा है भाई, फोर्स एफ एल और बॉडी का मास है एम, ये एक्सीलरेशन में चलेगा, ये बॉडी विल मूव विथ एक्सीलरेशन एफ ए माइनस एफ एल बाई एम। समझ में आ रहा है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की केस में भी स्लाइड कर रहा था कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में, अब ये बॉडी एक्सीलरेट करने लगा है, ये स्लाइड कर रहा है और एक्सीलरेट भी करने लगा है, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑलरेडी एफ एल।
समझ में आ रहा है, ये बात है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अभी मैं प्लॉट करना चाहता हूं एफ ए वर्सेस एफ एल, एफ एल फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एफ ए। सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को मैं प्लॉट करना चाहता हूं। कब? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, ये ग्राफ को स्कूल में आएगा उसको ड्रॉ करने के लिए, मस्ट अंडरस्टैंड दी टेक्निक्स बिहाइंड। देखो शुरू शुरू में जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं था थी बॉडी वाज नॉट स्लाइडिंग, देर वाज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो था। व्हेन एफए इज जीरो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो जीरो। अगर एफए को कर दिए 1 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स बन गया 1 न्यूटन, चल नहीं देता था। एफए को कर लो 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इक्वली विद द अप्लाइड फोर्स। तो ग्राफ कैसे बनेगा? द ग्राफ गोज लाइक दिस, है ना? मतलब ये जब ग्राफ बढ़ रहा है तब आप कहोगे कि किसी भी एक समय में जितना है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाटएवर इज द फ्रिक्शनल फोर्स, सेम इज द अप्लाइड फोर्स। ये जितना है ये भी उतने ही है। सोचो अगर ये जितना है ये भी उतना ही है, फ्रिक्शनल फोर्स जितना है अप्लाइड फोर्स उतना ही है, तो ये एंगल कितना हो गया? ये जितना ये उतना, दिस एंड दिस आर इक्वल, सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो एक ग्राफ ऐसे चलने लगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कब तक? जब तक फ्रिक्शनल फोर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच नहीं जाता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू था न्यू इंटू एल। उसके बाद अगर आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स तो और नहीं बढ़ सकता, वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो द डायग्राम विल गो समथिंग लाइक दिस, फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट, ऐसे होना चाहिए अभी तक हमें लग रहा है। नहीं, पहले यहां तक समझते हैं फिर आगे समझेंगे। ये ग्राफ आगे ऐसे नहीं जाता है, थोड़ा सा ड्रूप आता है, इसमें चेंज आता है, क्यों आता है देखेंगे। तो क्या हुआ, हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने लगा लिनियरली एट एन एंगल 45 डिग्री। और जब ग्राफ आके यहाँ पे पहुंचा, जब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू एन हो गया, तो उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होना तय है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जितना भी बढ़ाओ और फ्रिक्शन उससे ज्यादा हो नहीं सकता। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, अभी अभी हम लोग जैसे डिस्कशन किए हैं, अभी अगर फर्दर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे, ये जोन में क्या था, अप्लाइड फोर्स वाज इक्वल टू लिमिटिंग वाज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, आई मीन द अप्लाइड फोर्स वाज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये जोन में क्या हो रहा था, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना? फ्रिक्शन रोक सकता है अप टू ए वैल्यू कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, हम लगा रहे हैं फोर्स उससे कम तो चल नहीं रहा है, बॉडी रेस्ट में था। लेकिन जैसे हम अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा कर देंगे, ये वैल्यू से ज्यादा कर लेंगे, ये वैल्यू कौन सा है, ये म्यू एन है, तो ये भी म्यू एन ही है, इससे ज्यादा कर देंगे, अब ये बॉडी स्लाइड करने लगेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है, जब वो बॉडी स्लाइड करने लगता है तो क्या होता है कि उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होने से वो बॉडी जो स्लाइड कर रहा है वो वाइब्रेट करने लगता है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स था क्या चीज, ये था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू सरफेस। यहाँ का न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रॉन के साथ खुश था, यहाँ का न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रॉन के साथ खुश था, लेकिन पास होने के कारण यहाँ का न्यूक्लियस इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा, यहाँ का न्यूक्लियस इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश किए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और हम क्या देख रहे थे, इसको दबा के रखें तो मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज, फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर। नहीं, अब जब हम ये कहेंगे कि अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये बॉडी स्लाइड करने लगा है उसमें वाइब्रेशन होने लगा है, आप जानते हो कोई भी बॉडी स्लाइड कर रहा है तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन होने लगा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होने लगा है, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है।
डिस्टेंस कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है तो एवरेज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है, एक दूसरे को पकड़ने वाली जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। हम क्या कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, और उसको हम कैसे अकाउंट में लेते हैं, कहते हैं कि म्यू का वैल्यू कम हो गया, म्यू का वैल्यू कम हो गया, जो नया वैल्यू ऑफ म्यू हो गया ड्यू टू वाइब्रेशन उसको हम कहेंगे म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? तो थोड़ा लिखते हैं इस चीजों को, लिखते हैं इस चीजों को। व्हेन एफ ए इज मोर देन एफ एल द बॉडी स्लाइड्स ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। थोड़ा सा स्पेस बनाए, यस, ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली डिक्रीजेस। द फ्रिक्शन स्लाइटली डिक्रीजेस टू ए न्यू वैल्यू कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे लिखते हैं इसको? म्यू के। अच्छा, तो ध्यान रखना है कि जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है म्यू का वैल्यू क्या लेना चाहिए? म्यू के, जो कि म्यू एस से थोड़ा सा कम है। ये अब तक जो म्यू म्यू कर रहे थे हम, वो क्या था? इट वाज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जब बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? म्यू इज इक्वल टू म्यू एस व्हेन बॉडी डज नॉट स्लाइड and it is equal to mu k when the body slides। अब देखो, स्लाइडिंग समझ में आना चाहिए। जैसे आप कहोगे कोई बॉडी मोशन में है या स्लाइड कर रहा है, दोनों में अंतर है। जैसे मैं अभी चल रहा हूं, व्हेन आई एम वॉकिंग, मेरे पाँव के नीचे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे, उसके लिए जो म्यू का वैल्यू जरूरत पड़ेगा वो कौन सा म्यू होगा? म्यू एस की म्यू के नहीं सर, आप चल रहे हैं तो हम लेंगे म्यू के। नो, क्या मेरे पाँव स्लाइड कर रहे हैं? मेरे पाँव स्लाइड नहीं कर रहे हैं। स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? म्यूस। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई चीज स्लाइड कर रहा है, हाँ चप्पल टूट गया, हम घिसते हुए जा रहे हैं चप्पल को, देन माई फुट इज स्लाइडिंग, तो इन दैट केस यू विल से म्यू का वैल्यू लेना चाहिए म्यू के। तो अभी अगर हम वापस इस ग्राफ को चलते हैं, यहां पर जो म्यू था वो म्यू कब था? जब बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है। तो हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए? म्यू एस इंटू एन, और यहां पे म्यू एस इंटू एन। लेकिन इसके बाद जब मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया, अब बॉडी तो स्लाइड करने लगा है, अब ये बॉडी स्लाइड करने लगा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू का वैल्यू कम हो गया है। तो आप कहोगे ये थोड़ा सा ऐसे घटेगा और फिर उसके बाद ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये जो नया वैल्यू ऑफ म्यू यहां निकल के आया वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग स्लाइडिंग कितना होगा? इट इज म्यू के इंटू एन। स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू के इंटू एन। समझ में आ रहा है? सो द प्रॉपर ग्राफ इज लाइक दिस। वो आपको पूछेंगे प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स, तो आपको ये ग्राफ का वेरिएशन प्लॉट करके दिखाना है। दिखाना है कि ये जो पिक वैल्यू है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज म्यू एस इनटू एन, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा ड्रूप करके, थोड़ा सा कम होकर जो चलने लगा ड्यूरिंग स्लाइडिंग, दैट इज म्यू के इनटू एन। तो इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, यहां पर ये जोन में आपको हो गए बॉडी इज एट रेस्ट,
ये जोन में बॉडी इज स्लाइडिंग, और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू के इंटू एस और म्यू के इंटू एन, जबकि ये जोन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये लाइन की दोनों तरफ चीजें बदल जाते हैं, ये लाइन की दोनों तरफ चीजें बदल जाते हैं, इधर है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, बॉडी इज एट रेस्ट, इधर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है, और एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चल तो क्या देखें, म्यू का वैल्यू लेना चाहिए म्यू एस व्हेन द बॉडी डज नॉट स्लाइड, म्यू के व्हेन द बॉडी स्लाइड्स, और ये जो म्यू के है वो स्लाइटली लेस देन म्यू एस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे न्यूमेरिकल जब देगा आपको वो एक तो म्यू दिया होगा, मतलब म्यू के और म्यू एस दोनों बराबर है, लेकिन अगर दोनों को मेंशन किया है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, देखना है कि बॉडी स्लाइड कर रहा है कि रेस्ट में है, रेस्ट में है तो हमें कैलकुलेशन में म्यू एस को लेना है, स्लाइड कर रहा है तो हमें कैलकुलेशन में म्यू के को लेना है ना। जैसे मैं आपको थ्रू एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल ले लो तो बढ़िया समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक बॉडी रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज ए बॉडी केप्ट ऑन ग्राउंड, और इसका मास दिया हुआ है सपोज समथिंग लाइक से 4 kg, और क्या दिया हुआ है, इस बॉडी को चलाने की कोशिश किया जा रहा है, कैसे, बाय मींस ऑफ ए फोर्स। सपोज मैं यहाँ पर एक फोर्स दे रखा हूँ इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर मैं एक फोर्स दे रखा हूँ, ठीक है, कितना फोर्स दे रखा हूँ, से माई अप दिस फोर्स इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, क्योंकि मेरा फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। और क्या डाटा दिया है, डाटा ये दिया है कि यहाँ पर म्यू एस का भी वैल्यू दिया है और म्यू का के का भी वैल्यू दिया है, म्यू एस दिया है मान लो 0.5 और म्यू के कितना दिया है, म्यू के दिया है 0.4 जो कि इससे थोड़ा सा कम है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अप्लाइड फोर्स। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज समथिंग लाइक से 10 N, तो इस केस में अगर हम निकालना चाहेंगे तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इस बॉडी का वेट है 4g और नीचे एक नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा है, नहीं हमें तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि पुश करेंगे तो बॉडी ऐसे मूव करेगा, इधर तो मूव नहीं करेगा, मतलब हियर आप कहोगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 4g के बराबर है, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो होता है म्यू एस इंटू एन, कितना हो गया, म्यू एस तो 0.5 है, 0.5 इंटू 40 कम्स आउट टू बी 20 N, समझ में आ रहा है, इन न्यूटन और एन लिखने से दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेट अस राइट दिस टू बी आर, रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स आर है, तो ये क्या है आर है, तो ये हो गया कितना 20 N, समझ में आया। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 20 N, जब मैं दे रहा हूं अप्लाइड फोर्स 10 N, तो ये जो वैल्यू है ये तो आपका लिमिटिंग वैल्यू से कम है, 20 N से कम है, तो क्या कहेंगे, बॉडी एट रेस्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इट इज इक्वल टू 10 N, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 10 N। बात समझ में आया, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 20 N, तो आप देख रहे हो कि ये तो लिमिटिंग वैल्यू के साथ बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 20 N मैक्सिमम वैल्यू पे। और अगर व्हेन अप्लाइड फोर्स इज समथिंग लाइक से 25 N, नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग वैल्यू, कौन सा वैल्यू, यू से इट इज म्यू एस इंटू आर, इससे
ज्यादा है तो क्या होगा, क्या होगा? अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हुआ तो स्लाइड करेगा, एक्सीलरेट करेगा, स्लाइड करेगा तो म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा, नहीं तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी एक्सीलरेट्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा अगर बॉडी एक्सीलरेट करने लगा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ता है, यस 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 बन गया फ्रिक्शनल फोर्स बन गया 20 न्यूटन ही है। अब कोई बॉडी एक्सीलरेट करने लगा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि बॉडी स्लाइड करने लगा है, स्लाइड करने लगा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, यस। देन आप कहोगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू इनटू आर, क्योंकि स्लाइड कर रहा है। लेकिन कौन सा म्यू लेंगे, म्यू एस की म्यू के, इट इज म्यू के, देखो डिफरेंस, म्यू के कितना दिया है 0.4, आर कितना है 40, सो इट इज 0.4 इनटू 40, कितना हो गया 16 न्यूटन, देख रहे हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। जब तक ये लिमिटिंग वैल्यू से कम है, अब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू एस इनटू आर, म्यू एस मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, तो बॉडी स्लाइड करने लगेगा, नहीं जब ये स्लाइड करने लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू के इनटू आर, बोले थे स्लाइड करते वक्त फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर होता है, तो क्या लेंगे म्यू के वैल्यू, म्यू के। तो ऐसा केस तब आता है जब म्यू एस म्यू के दोनों दिया हुआ है, ओनली म्यू दिया हुआ है तो बस म्यू म्यू जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 5। अब चलो सोचते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है, उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देख लिए कि म्यू इंटू एन है और म्यू इंटू आर है जो भी है। सोचो आई एम गिविंग यू टू केसेस, कोई एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, सपोज द ब्लॉक इज समथिंग लाइक दिस, जस्ट काफी मोटा ब्लॉक हो गया, छोटा कहते हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड इज सपोज समथिंग लाइक दिस, और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू और इसका मास है एम, इसको चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप फोर्स लगाओगे तो अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर पाओगे तभी ये चलेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू आर, ये एम जी है और ये आर है और बॉडी इस डिरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो आर का वैल्यू एम जी है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब ये बॉडी स्लाइड कर रहा है, जब बॉडी को स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल बी म्यू इनटू आर, आर का वैल्यू एम जी है तो क्या फोर्स चाहिए, म्यू एम जी, ये बॉडी को मूव करवाने के लिए। एफ क्या है, फोर्स, और यू से मिनिमम फोर्स मूव द बॉडी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, टू मूव द बॉडी क्या हो गया, ये कितना हो गया, म्यू इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है, एम जी है, सो म्यू एम जी। केस बदल देता हूं, सेम ब्लॉक को अब मैं ऐसे रखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा के लेटा के रखता हूँ। अब मैं अगर इसको लेटा के यहाँ पे रखता हूँ, अब देखो तो अब यहाँ पे वेट क्या है, वी एम जी, खड़ा रखो लेटा के रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, आर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू, क्या फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए, एफ, और वो फोर्स किस डिरेक्शन में होता है, दैट फोर्स इज इन दिस डिरेक्शन, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डिरेक्शन, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू आर और म्यू एम जी।
दोनों ही केस में ये स्टेटमेंट वैलिड है, ये बॉडी ऐसे खड़ा है या ये लेट के है। यहाँ पर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, उसको देने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये बॉडी खड़ा है उसको मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए म्यू एम जी, लेटा हुआ है तो क्या फोर्स चाहिए? वही तो बात हुआ, सेम डिस्कशन। फिर से फोर्स रिक्वायर्ड इज म्यू एम जी, इतना फोर्स देंगे तो चलना शुरू करेगा। तो क्या देखें हम, कभी कभार हमें लगता है कि ये कम एरिया कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। ये पॉइंट को मैं बताना चाहता हूँ, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होने से ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये सोचना गलत है, ठीक है ना। वही चीज़ को लिखेंगे, दस 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 मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट अफेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, डज नॉट अफेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, डज नॉट अफेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में उनसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ये एक गलत फहमी है, समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम चलते हैं, हम खड़े थे हम चलने लगे, या फिर कोई गाड़ी रेस्ट में था गाड़ी चलने लगा, तो बताओ कौन सा फोर्स है जिसके बलबूते पर हम चलते हैं। मेरे ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहा है जब मैं चल रहा हूँ? मेरे ऊपर आ रहा है माई वेट जो कि नीचे की तरफ है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ है, ना मैं नीचे जा रहा हूँ ना मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसका मतलब दिस फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग मी। तीसरा फोर्स कौन सा है? चल रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स है, और हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हेन आई मैनेज वॉकिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैं कितना एक्सीलरेशन में जाऊंगा वो डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। जितना ज़्यादा मेरे ऊपर फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन में जाऊंगा। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा? जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है और मेरे ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर मतलब आप कहोगे कि आर इज द वेट, वेट ऑफ माई बॉडी है कि नहीं? तो ठीक है, लिखते हैं A car is in motion, ठीक है, the maximum acceleration with which it can move is equal to maximum frictional force by mass, maximum frictional force by mass, maximum frictional force कितना होता है? आप जानते हो maximum frictional force is mu s into r, r होता है कार का मास, m into g by m, तो कितना हो गया? It is coming mu s into g, so this is the maximum acceleration with which a car can move. आप दौड़ोगे कितने मैक्सिमम जो दौड़ सकते हो, ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन कितने में दौड़ सकते हो वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चप्पल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं? अगर रफ सरफेस है तो आप जोर से भाग सकते हो, स्मूथ सरफेस है तो जोर से नहीं भाग सकते हो। सपोज मैं अर्थ पे दौड़ना चाहूंगा, अर्थ पे मैं दौड़ सकता हूँ विथ एन एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून पे चले जाऊंगा तो, मून पे चले जाऊंगा तो मेरा जी का वैल्यू क्या होगा? जी बाई 6 हो जाता है, नहीं? तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितने में मैं दौड़ सकता हूँ मून के ऊपर? यहाँ पर अगर अर्थ पे 12 है म्यू एस इंटू जी, वहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? म्यू एस इंटू जी बाई 6, क्योंकि मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ का 1/6 है, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं जितना जोर यहाँ पे भाग सकता हूँ उतना जोर मून पे नहीं भाग सकता, तो आप कितने जोर भाग सकते हो डिपेंड करता है आप जवान हो कि बूढ़े हो, लेकिन ऑल्सो डिपेंड करता है कि नीचे वाला जो सरफेस है रफ है कि स्मूथ है। मान लो आप जवान, बहुत जोर से भाग सकते हो, अब तेल डाल दिए, भाग सकते हो क्या? नहीं भाग सकते।
सो जितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से आप भाग सकते हो उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में जाने की कोशिश करोगे, पांव खिसलेगा, आप वहीं गिर जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। समझ में आ रहा है? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके ऊपर दो तीन वेराइटी के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। पहला हुआ कि कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में कोई कार चल सकता है, वो म्यू एस इनटू जी है, या फिर कोई आदमी दौड़ सकता है, वो म्यू एस इनटू जी है। ये नहीं कि इतना भी दौड़ेगा पर बूढ़ा होगा तो धीरे धीरे जाएगा, जवान होगा तो बहुत जोर से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे ज्यादा एक्सीलरेशन से वो जा नहीं सकता। चाहे आप कितना पावरफुल बाइक ले लो, है ना, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में नहीं जा सकता। जाने की कोशिश करेगा, चक्का फिसलने लगेगा। अब मूवी वगैरह में देखे होंगे, जब वो कोई हीरो या हीरोइन को जब कोई भूत दौड़ाता है, कुत्ता दौड़ाता है, शेर दौड़ाता है, विलेन दौड़ाता है, वो दौड़ती है और दौड़ती पर बार बार गिरती है। गिरती क्यों है? आप कोई दौड़ोगे तो गिरोगे क्या? वो क्यों गिरती है? बिकॉज जितना जोर से वो भाग सकता है उससे ज्यादा जोर भागने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, बार बार पांव फिसलता है, है ना। देखो डायरेक्टर भी फिजिक्स पढ़ा हुआ है। तो ये म्यू एस इनटू जी है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। अभी दूसरा हुआ कि अगर कोई कार ब्रेक लगा के रुकने की कोशिश करता है, पहले चीज ये कि आपको मन में आ रहा होगा, भाई साहब दिस इज म्यू एस, व्हाई नॉट म्यू के। जब मैं दौड़ रहा हूं मेरे पांव के नीचे जो म्यू का वैल्यू हमें लेना चाहिए वो म्यू एस लेना चाहिए कि म्यू के लेना चाहिए? म्यू एस कब लेते हैं? व्हेन देयर इज नो स्लाइडिंग। म्यू के कब लेते हैं? व्हेन देयर इज स्लाइडिंग। मैं जब दौड़ रहा हूं मेरे पांव फिसल रहे हैं क्या? फिसल नहीं रहे, तो आई विल टेक म्यू एस, नहीं। और अगर फिसल जाते तो हम कहते म्यू का वैल्यू म्यू के ले लेते। अब सोचो कि कोई कार अगर रुकना चाहेगा, चल रहा था वो ब्रेक लगाया, क्या वो ब्रेक लगाने से रुकता है? हाँ सर, ब्रेक लगाने से रुकता है। नहीं, ब्रेक इज एन इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो रुकेगा नहीं। ब्रेक लगाने से चक्का घूमना बंद हो जाते हैं। सपोज आप कार में आए और देखे कि यहाँ से आगे तेल पड़ा है, देयर इज ऑयल ऑन द फ्लोर, तो जैसे आप ब्रेक लगा दोगे चक्का घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन गाड़ी बंद होगा क्या? गाड़ी तो फिसलता हुआ चलेगा। मतलब आपका कार को रोकने वाला फोर्स आपका ब्रेक नहीं है, वो ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कितना मैक्सिमम रिटार्डेशन हो सकता है आपका कार का? जितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपको मिलेगा रोकने के लिए। कब? जब चल रहे थे और ब्रेक लगाए, चल रहे थे ब्रेक लगाए मतलब चक्का स्लाइड करेगा, चक्का स्लाइड करेगा मतलब हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू के इनटू आर। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? द मैक्सिमम रिटार्डेशन विथ व्हिच ए कार कैन मूव, कार कैन मूव इज इक्वल टू द मैक्सिमम रिटार्डेशन फोर्स, दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, कितना है? म्यू के एम जी बाई एम, दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितने में कार जा सकता है? म्यू एस इंटू जी। मैक्सिमम रिटार्डेशन कितने में जा सकता है? म्यू के इंटू जी। तो ब्रेक लगाएगा तो रुकेगा तो म्यू के इंटू जी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन भी आता है, ऑन ए स्मूथ सरफेस जहाँ पर म्यू कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस म्यू का वैल्यू कम है, वहाँ पर मान लो कि फ्लोर पे ऑयल छिड़का दिया गया है, आपको चलने के लिए कहा जाएगा, आप कैसे चलोगे? बड़े बड़े स्टेप लेके चलोगे कि छोटे छोटे स्टेप लेके चलोगे? सोचो नीचे तेल पड़ा हुआ है, आपको चलने के लिए कहा गया, हाउ विल गो विथ स्मॉल स्टेप्स और बड़ा बड़ा स्टेप? बड़ा स्टेप छोटा स्टेप में अंतर क्या है बताओ? बड़ा स्टेप छोटा स्टेप में अंतर है, जब कोई आदमी बड़ा बड़ा स्टेप लेके छोटा छोटा स्टेप लेके चलता है ही स्टेपिंग लाइक दिस, और जब बड़ा बड़ा स्टेप लेके चलता है ही स्टेपिंग लाइक दिस। ये पांव ऐसा है, इसको फाड़ के ऐसे रखने की कोशिश कर रहा है। तो इन दिस केस यू सी द फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे हो पांव पे, उस फोर्स का कंपोनेंट कम है। कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि एंगल यहाँ पे ज्यादा है। जबकि यहाँ पर ये अगर ये पांव को ज्यादा फैला के बड़ा बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करे, पूरा पूरा फैला देते हैं, चल बेटा ऐसा चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ये एंगल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, ये फोर्स एफ कॉस थीटा है, ये घट जाएगा।
अपलाइट फोर्स कम हो जाएगा तो बॉडी स्लाइड कर जाएगा, अपलाइट फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये एंगल घट जाएगा तो अपलाइट फोर्स बढ़ जाएगा, सॉरी अपलाइट फोर्स क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, थीटा कम हो गया तो एफ कॉस थीटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब अपलाइट फोर्स ज्यादा हो गया, पाँव फिसल जाएगा। यहाँ पर ऐसे चलने से छोटे छोटे अपलाइट फोर्स होते हैं, एफ कॉस थीटा, थीटा इज मोर, नहीं थीटा ज्यादा है तो कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होता है, थीटा ज्यादा होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा। यहाँ पर कम अपलाइट फोर्स देके आप चल रहे हो, यहाँ पर ज्यादा अपलाइट फोर्स देके चल रहे हो। अगर स्मूथ है कंपैरेटिवली स्मूथ और ग्राउंड है, ज्यादा अपलाइट फोर्स देने से फिसल जाएगा, हमें ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है तो जब मैं ज्यादा अपलाइट फोर्स लगाऊंगा तो पाँव फिसल जाएगा, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए कोई स्मूथ सर्फेस पे हमें कैसे चलना चाहिए विद स्मॉल स्टेप्स। दूसरा क्वेश्चन आता है द रेसिंग कार्स शुड हैव देयर टायर्स रफ टायर्स और स्मूथ टायर्स, रफ टायर होना चाहिए कि स्मूथ टायर होना चाहिए कोई रेसिंग कार का। देखो रेसिंग कार में कितना ज्यादा एक्सीलरेशन में जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव है कि टू मूव विद द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन के लिए क्या था फॉर्मूला म्यू एस इंटू आर, इट वॉज म्यू एस इंटू सॉरी म्यू एस इंटू जी, तो म्यू एस ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब रेसिंग कार के टायर्स रफ होना जरूरी है, जितने ज्यादा रफ होंगे उतने जोर से वो भागेंगे, स्मूथ होगा तो भाग नहीं पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तीसरा चीज ऐसा आता है कि आप ये तो देख लिया हम लोग ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैक्सिमम रिट्रैक्शन, अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग से नहीं दिया है तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी म्यू एस इंटू जी है, मैक्सिमम रिट्रैक्शन भी म्यू के इंटू म्यू इंटू जी रहेगा, दोनों अगर म्यू रहेगा तो अलग अलग रहेगा तो वी हैव टू सूटेबली टेक द थिंग्स, ठीक है ना। दिया होगा कि कोई कार का टायर और रोड के बीच में म्यू का वैल्यू है म्यू एस दिस मच और म्यू के का वैल्यू दिया है कुछ दूसरा, पूछो बताओ कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में जा सकता है म्यू एस इंटू जी, बताओ कितना मैक्सिमम रिटार्डेशन में वो रुक सकता है, हो गए म्यू के इंटू जी। आ रहा है समझ में? नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है ना। अब ये फ्रिक्शन है तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, फ्रिक्शन इज ए फ्रेंड और ए फो, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। देखो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या नहीं कर सकते, क्या हम चल सकते फ्रिक्शन नहीं होता तो? वही तो चलने में मदद कर सकता है, करता है, तो बिना फ्रिक्शन का हम कैसे चलेंगे? अच्छा बिना फ्रिक्शन का किसी रस्सी को पकड़ के आप चढ़ सकते हो क्या? चढ़ सकते हो, क्यों? जैसे आप चढ़ने की कोशिश करोगे रस्सी को पकड़ लेते हो खींच के चढ़ते हो, हाथ अगर फिसलेगा तो कैसे चढ़ोगे? नहीं, सो बिना फ्रिक्शन का हम चढ़ नहीं सकते। अच्छा कोई भी काम, जैसे हम पेन से लिख रहे हैं, लिख रहे हैं तो पेन को हम ऐसे पकड़े हुए हैं, ये पेन क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि हम पकड़े, अरे नहीं ढंग से बताओ कौन सा फोर्स के कारण ये पेन गिर नहीं रहा है, वेट इसको नीचे खींच रहा है गिराने के लिए, रोक कौन रहा है ऊपर की तरफ? मेरा हाथ तो दोनों हाथ उंगली तो इसको प्रेस करके फोर्स ऐसे दे रहे हैं, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? जब ये फिसलने की कोशिश कर रहा है पेन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है वही रोक रहा है। अगर यहाँ पे तेल डाल देंगे, मान लो कोई वजनदार लोहे का रॉड को आप ऐसे पकड़ के रखे हो, आपके हाथ में तेल डाल देंगे रहेगा क्या? तो फिसलने लगेगा। सो ये इक्विलिब्रियम में क्यों है? बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो बिना फ्रिक्शन का बहुत सारे काम हमारा नहीं हो सकते। क्या कोई गाड़ी चल सकता है? नहीं चल सकता है। नहीं, वो इंजन वाला गाड़ी, स्लेज गाड़ी तो चलता है कि नहीं? स्लेज गाड़ी को खींचते हुए ले जाते हैं, तो कोई गाड़ी का टायर अगर स्मूथ हो गया वो चलना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या करते? चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाता, गाड़ी नहीं चल पाता, कहीं रस्सी पकड़ के चढ़ नहीं पाते। और फ्रिक्शन दोस्त की दुश्मन है? हाँ सर दोस्त है, बिना दोस्ती के उसके हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब सोचो फ्रिक्शन का दुश्मनी क्या है? चक्का हमारा घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है, हर 6 महीने में नया चप्पल नया जूता लेना पड़ता है, करोजन इरोजन होते हैं घिस जाते हैं, तो फ्रिक्शन एक दुश्मन भी हो गया। फ्रिक्शन के चलते सारे चीज घिस जाते हैं कुछ दिन यूज करने के बाद, नहीं तो वो एक दुश्मन भी हो गया। तो फ्रिक्शन को आप दोस्त कहो या दुश्मन कहो, और ऐसा है कि एक प्यारा सा दुश्मन है, ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट रहेगा। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, तो ऐसे लिखेंगे फ्रिक्शन इज ए
नेसेसरी एविल ऐसा दुश्मन है जिसको हमारे पास रहना जरूरी है। थोड़ा बहुत दुश्मनी तो करे, कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं, है कि नहीं? नेसेसरी एविल, बदमाशी तो करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने में मदद कर देते हैं कभी कभार हमारा। तो वैसे ही एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक नेसेसरी एविल है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी देखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखना है, और बारी बारी से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग सारा क्वेश्चन को पहले से अगर लिख लोगे कॉपी में तो मेरे को करने में आसान होगा, ठीक है। तो चलो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखते हैं। से ट्रू और फॉल्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ट्रू और फॉल्स बताना है। देख लो, आप लोग ये सारा क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। वी विल सेव आवर वैल्यूएबल टाइम इन द क्लास। तो आप लोग पहले से ट्राई करके भी लाना, फिर हम करेंगे तो जल्दी जल्दी चीजें बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ मैन इज वर्किंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ट्रू और फॉल्स बताना है। अब यहाँ पे दो ब्लॉक रखा गया है, दोनों स्लाइड कर रहे हैं, सेम ब्लॉक को अलग अलग पोजीशन में रखा गया है, कौन सा केस में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट क्लाइंब ए वर्टिकल रोप। हाँ, दिमाग लगाओ, आप लोग सोचो, यू कैन डू इट। सी दिस क्वेश्चन, नोट कर लो ये सारा क्वेश्चन को, ठीक है। आप यहाँ पे पॉज लगा के नोट कर सकते हो, वीडियो छोटा करने के लिए मैं ये सारा जो है जल्दी जल्दी दे रहा हूं। You can apply pause and proceed. यहां पर पूछा गया find the minimum value of F and maximum value of F. ये ब्लॉक को छोड़ दो तो फिसल के आ जाएगा, कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे कि ये ब्लॉक रुके रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऊपर चलने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएंगे कि ये ब्लॉक रुके रहेगा, ठीक है। इन ईच ऑफ द केसेस द ब्लॉक इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन 2 m/s², फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। क्या फोर्स चाहिए कि ये 2 m/s² में ये भी चलेगा और ये भी चलेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, अगर ब्लॉक रेस्ट में है या फिर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या फिर तीसरे केस में दिया गया है, मास म्यू और थीटा दिया गया। अब जानते हो कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्लाइड करता है तो क्या होता है, और अगर मालूम नहीं है कि स्लाइड कर रहा है कि रेस्ट में है जैसे तीसरा केस में है, तो इन दैट केस व्हाट टू डू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ एफ एंड एफ एल, है ना, यू डू इट। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ये फोर्स 100 न्यूटन का है तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अगर ये फोर्स 200 न्यूटन का है तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। दोनों केस में ब्लॉक इज अगेंस्ट ए रफ वॉल, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। यहाँ पे 2 kg वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ऑन दिस 8 kg ब्लॉक, म्यू दिया हुआ है 0.5, नीचे म्यू दिया है 0.6, दिया है कि 2 kg वाला ब्लॉक तो स्लाइड कर रहा है लेकिन 8 kg वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, 8 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ यू सी हियर इज अनदर सिमिलर क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ म्यू आर गिवन, 40 न्यूटन का फोर्स लगा है, 2 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है पूछा है, ठीक है। हाँ, ये टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, पूछा है कितनी जल्दी ये 90 km/h स्पीड में पहुंच पाएगा। ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन विथ 20 m/s ऑन ए रफ फ्लोर वेयर म्यू इज 0.5, फाइंडिंग व्हाट मिनिमम टाइम इट विल स्टॉप, कितना जल्दी ये रुकेगा। ये सब स्कूल लेवल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कोई आदमी अर्थ पे दौड़ सकता है 18 m/s² में, अगर सेम म्यू है तो मून पे कितना जोर से दौड़ पाएगा। आपको मालूम है कि मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 पार्ट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मतलब
अगर अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो मून पे है जी बाई सिक्स। अब सोचो ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज केप्ट ऑन ए फ्लोर, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 30 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स ईस्ट, व्हेन एन एडिशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ जीरो इज अप्लाइड ऑन इट, द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और पक्का आप लोग कर लोगे, ट्राई इट। फाइंड विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर। देखो मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूं, आप लोग भी कोशिश करो, यू कैन डू, और एल्स हम लोग तो क्लास में करेंगे सारा चीज डिस्कशन। छोटा ब्लॉक रखा है बड़े ब्लॉक के ऊपर और ये पूरा सिस्टम को ए एक्सीलरेशन में लेना है, ग्राउंड स्मूथ है और यहाँ पर म्यू 0.6 दिया है। पूछा है कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में ले सकते हैं। देखो अगर बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में लेने की कोशिश करेंगे ये फिसल के गिर जाएगा, नहीं। विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन द ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर। और यहाँ पे आपकी बताने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि द ब्लॉक इज द सिस्टम इज मूविंग बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन और बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग हियर। यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है और इसके लिए ये सिस्टम अभी चल रहा है। हाँ, तो यहाँ से पुश करने के कारण सिस्टम चल रहा है। कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पर दो ब्लॉक कनेक्टेड है भाई, ये थ्रेड कोई फोर्स एफ खींच रहा है। पूछा है टेंशन इस थ्रेड में क्या होगा अगर एफ का वैल्यू है 10 न्यूटन 18 न्यूटन 30 न्यूटन, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं लेकिन अभी फ्रिक्शन को थोड़ा इन्वॉल्व करते हुए। ये 3 केजी ब्लॉक है, यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, इधर 5 केजी ब्लॉक झूल रहा है। पूछा बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा ये एडजॉइनिंग सिस्टम में, सारे ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सारे बुक में मिलेगा और सारा एंट्रेंस टेस्ट में आ चुका है, स्कूल वाले भी इसको अक्सर डालते रहते हैं। ए चेन ऑफ लेंथ एल इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए पार्ट ऑफ लेंथ एक्स हैंगिंग बियॉन्ड द एज, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इक्विलिब्रियम। कोई चेन रखा है टेबल के ऊपर जिसका लेंथ एल है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जिसका लेंथ एक्स है ना, वो टेबल का एज के बाहर झूल रहा है नीचे की तरफ, मतलब टेबल के ऊपर कितना लेंथ है एल माइनस एक्स। पूछा है एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है फॉर इक्विलिब्रियम, ज्यादा पार्ट झूला के रखेंगे तो फिसल जाएगा, मैक्सिमम कितना झूला के रख सकते हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू जीरो। अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी निकल के आएंगे, बताएंगे क्लास में। दिया हुआ है कि दोनों केस में अगर इस ब्लॉक को मूव करवाना है तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, ये ब्लॉक को मूव करवाना है तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, कितना होने से ये ब्लॉक चलना शुरू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, यू नोट ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी और फिर उसके बाद क्लास में लेके आओ, खुद भी ट्राई करो, क्लास में भी लेके आओ, फिर बाद में हम लोग एक एक करके क्लास में करेंगे। वी शैल सेव अवर टाइम। थैंक यू फॉर नोटिंग डाउन, बी ए सिंसियर एंड गुड स्टूडेंट, डू योर वर्क। सारा क्वेश्चन को लिख के ले आइए कॉपी में तो हम लोग जल्दी जल्दी क्लास में डिस्कशन कर पाएंगे। अभी सोच लेना थोड़ा आंसर को, फिर मैं बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।